आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नेतृत्व वृंद, आदरणीय भाइयों बहनों, इस देश का गरीब बाट जो रहा था, इस देश के गरीब भी सोचते थे कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे भी दिन अच्छे होंगे। और आज उन गरीबों की बाट जोहने का इंतजार करने का वक्त समाप्त हो गया है। इस देश के गरीबों को एक मसीहा के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं। भले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप अपने को चौकीदार कहते हैं, चौकीदार बताते हैं, यह आपका बड़कपन है, आप चौकीदार है भी, लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीब, इस देश के करोड़ों करोड़ों वंचित आपको चौकीदार तो मानता ही है, इस देश का मसीहा मानता है, विवेकानंद जब विदेश की यात्रा पर थे तो उनको एक विदेशी ने व्यंग भरते हुए कहा था, क्या तो भूखा और नंगा देश का सन्यासी है। उस समय विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई भूखा है, न कोई नंगा है, न कोई अशिक्षित है, न कोई घर है, न कोई बेघर है और न कोई बेबस है। आज 21वीं सदी भी है और विवेकानंद की भविष्यवाणी भी पूरे हो रहे हैं। एक विवेकानंद जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था, आज विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को इस देश के प्रधानमंत्री दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे। गरीब जब यह सोचा करते थे कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे भी अपने घर होंगे, उस घर में बिजली की रोशनी होगी, शौचालय होंगे, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारे भी परिवार में अगर कोई बीमार पड़ गया तो वह इलाज के अभाव में उसकी मौत नहीं होगी, हम भी स्वच्छता की जिंदगी जिएंगे। और उन गरीबों के अरमान को पूरा आप कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं भी गांव से आता हूं, मैं भी किसान की का बेटा हूं, मैं करोड़ों करोड़ गरीबों की ओर से, भारतवासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से आपके इस काम और संकल्प को जो आप पूरा कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद के पात्र जो आप हैं गरीबों को, उस गरीबों की ओर से मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय भाइयों बहनों, कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी मिटाने का नारा दिया था, गरीबी उनके लिए मजाक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की गरीबी को अभिशाप समझा, तब भी तो प्रारंभ से लेकर अभी तक इस देश से गरीबी मिटे इसके लिए अपने लाखों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश से गरीबी मिटाने में लगे हैं। बिचौलियों का जमाना था, आज गरीबों का हक गरीबों तक पहुंच रहा है। आज डीबीटी के माध्यम से 431 योजनाओं का सीधा सीधा लाभ आज गरीबों को मिल रहा है। आज उन गरीबों को जो यह लाभ मिल रहा है, जिसके माध्यम से 4,00,000 करोड़ रुपए गरीब के खातों में बिना बिचौलिए के पहुंच रहा है। जनधन योजना से जहां 32 करोड़ खाते खोले गए हैं, 80,000 करोड़ बचत हो रही है गरीबों की आर्थिक सुरक्षा भी विभिन्न
माध्यमों से होता है। आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा जरूरत पड़ने पर, और 100 दिन में ही 6 लाख मुफ्त इलाज किए गए हैं रोगियों का। इंद्रधनुष योजना कितना मार्मिक है, बच्चे जब अपनी मां की गोद में, मां के गर्भ में जब पल रहा होता है, उस समय मां के कुपोषण के कारण आज बच्चे अपनी मां के गर्भ में जो पल रहा होता है वह भी कुपोषण का शिकार होता है। आज इंद्रधनुष के माध्यम से 4 करोड़ नवजात शिशुओं का टीकाकरण और 50 लाख से ज्यादा अपनी गरीब महिलाओं को उस प्रसूता अवस्था में 6000 का सहयोग करके, प्रधानमंत्री जी आपने एक मां की ममता क्या होता है इसको आपने, इस संवेदना को व्यक्त किया है, उसको आपने उजागर किया, उसको आप उजागर किया है। आज सुकन्या सुरक्षा योजना के मात समृद्धि योजना के माध्यम से आज 1.5 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। गरीबी जिसने देखी है, गरीबों को जिसने देखा है, वह जानता है कि गरीबों की बेटी अपने अरमान को किस प्रकार से कुमला देती थी। गरीब की बेटी भी सोचती थी कि हमारे हाथ में मेहंदी रचेगी, डोली उठेगी, हम भी अपने पिता के घर जाएंगे, लेकिन गरीबी के कारण अपने पिता के सामने बेटी प्रस्ताव कर देती थी, पिता मुझको ब्याह करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ऐसा भी परिवार इस देश में देखा गया है। यही यह देश की गरीबी है कि जब मैं एक जंगल के सर्वे में गया था थारू जाति के बगहा में, तो जिस देश में गरीब के घर में अगर 2 महिलाएं हैं, 1 माँ बेटी है, तो पहनने के लिए सिर्फ 1 साड़ी होती थी, वो भी पटी हुई साड़ी। यह देश की गरीबी के लिए जिम्मेवार कौन था? क्या कांग्रेसर उसको साथ देने वाले लोग नहीं थे? कितना बड़ा वह दर्द सहता होगा जब लकड़ी बेचकर पिता और पुत्र खाने के लिए 2 वक्त के लिए रोटी लाता होगा घर में, और 1 साथ वह खाने के लिए बैठता होगा, तो 1 साड़ी होने के कारण कभी माँ बैठती होगी तो कभी बेटी बैठती होगी, और माँ बेटी के साथ पिता और पुत्र नहीं बैठ सकता था। यह थी भारत की गरीबी और यह थी कांग्रेस की देन, यह थी कांग्रेस की देन। लेकिन आपने समझा है, शौचालय जिसको आज इज्जत घर कहा जाता है, आज जहां 10 करोड़ शौचालय बन गए, हमारे यहां गरीब की बेटियां बहुएं माताएं इंतजार करती थी, अंधेरा जिनका पर्दा होता था, अंधेरा होने के बाद और उजाला होने से पहले अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होने के लिए जहां इंतजार करती थी, आपने उसको उनको शौचालय दिया है। मुद्रा बैंक के माध्यम से नौजवानों के चेहरे पर रोशनी लाई है। मैं एक और विवेकानंद की भविष्यवाणी को कहते हुए अपनी वाणी को मैं समाप्त कर रहा हूं कि विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, 21वीं सदी भारत का होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत का होगा। 2019 अपना बना लो दोस्तों, भाइयों बहनों, तो 21वीं सदी भारत का होगा, भारत का होगा, भारत का होगा। जय हिंद, जय भारत।